नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत सी शेयर मार्केट कंपनियों से फोन आते होंगे और वे आपसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते होंगे। भारत में बहुत से लोग यह समझते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर पैसा कमाना मुश्किल जरूरी है, पर यह नामुमकिन नहीं है। भारत में एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 15,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। हाँ, उनका नाम था राकेश झुनझुनवाला। स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला भारतीय शेयर बाजार का बादशाह के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। शेयर मार्केट में इनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे बहुत से लोग उन्हें अपना आदर्श और इन्वेस्टमेंट गुरु मानते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी का जन्म 5 जुलाई 1960 को एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। जैसा कि झुनझुनवाला नाम से ही जाहिर है, उनका परिवार मूलतः झुंझुनू शहर के रहने वाले थे। राकेश झुनझुनवाला जी मुंबई में अपने परिवार के साथ पले बढ़े थे, क्योंकि इनके पिता आयकर विभाग में अधिकारी थे और वे शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते थे। वे अधिकतर अपने दोस्तों से शेयर मार्केट के विषय में चर्चा करते रहते थे। राकेश झुनझुनवाला जी बचपन से ही ये सारी बातें सुनते थे और एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, शेयर बाजार का भाव किस प्रकार ऊपर नीचे होते हैं या शेयर बाजार के भाव क्यों ऊपर नीचे होते हैं। तब उनके पिताजी ने उन्हें अखबार पढ़ने का सलाह दी। यह बाजार में के बारे में उनका पहला पाठ था। राकेश झुनझुनवाला जी ने सिडेनहेम कॉलेज मुंबई से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1985 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से सीए पूरा किया। सीए पूरा करने के बाद उन्होंने शेयर मार्केट में जाने की इच्छा अपने पिताजी को बताई। उनके पिताजी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इस काम का पैसा नहीं दूंगा। मतलब उनके पिताजी ने सीधा कह दिया कि मैं तुम्हें शेयर मार्केट में लगाने के लिए कोई पैसे नहीं दूंगा और तुम अपने दोस्तों से भी कोई पैसा नहीं लोगे। तुम स्वयं कमाकर अपने पैसे से शेयर मार्केट में लगाओ। बिग बुल नाम से फेमस राकेश झुनझुनवाला जी शेयर मार्केट का बड़ा नाम था, लेकिन उनके इस सफर की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। राकेश जी ने 1985 में शेयर मार्केट में व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 5,000 रुपये का निवेश किया और 1986 में अपना पहला मुनाफा कमाया। उन्होंने टाटा कंपनी के 5,000 शेयर 43 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे थे और उनको 3 महीने बाद 143 रुपया प्रति शेयर के भाव से बेच दिए। राकेश जी ने 1986 से 89 के बीच 200 से 250 करोड़ रुपया का मुनाफा कमाया। इसके बाद राकेश जी ने सेसा स्टारलाइट कंपनी के 1 करोड़ रुपया के 4 लाख शेयर खरीदे। इनमें से 2.5 लाख शेयर को 60 से 65 रुपये के रेट पर और 1 लाख अन्य शेयर को 150 से 175 रुपये के रेट पर बेच दिए। इन निवेशों से उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। 2003 में राकेश जी ने टाइटन कंपनी पर निवेश करना शुरू किया। उन्होंने 6 करोड़ शेयर 3 रुपये के भाव से खरीदे। 2018 में एक शेयर का भाव 876 रुपया था और 2014 में ही राकेश जी की कंपनी का टोटल निवेश 2100 करोड़ था। वे हर दिन 35 लाख रुपया प्रति घंटा कमा रहे थे। राकेश झुनझुनवाला जी का कहना था कि किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 फैक्टर को चेक कर लेना चाहिए। ये फैक्टर है प्रोडक्ट डिमांड, मतलब उस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है। कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब उस कंपनी का कैपिटलाइजेशन का पैटर्न कैसा है। बिजनेस कैसा है कंपनी का, और शेयर की प्राइस हिस्ट्री भी चेक कर लेना चाहिए। झुनझुनवाला जी ज़्यादातर भारत के कंपनियों में ही निवेश करते थे। उनका मानना था देश बढ़ेगा तो वे भी बढ़ेंगे। झुनझुनवाला जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी लालच और पैसे खोने के डर में सही संतुलन होना आवश्यक है। यदि वह इन चीजों पर सही संतुलन बैठा लेता है तो शेयर बाजार में जरूर सफलता प्राप्त करेगा।
हाल में ही राकेश झुनझुनवाला जी ने एयरलाइन इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने आकाश एयर में इन्वेस्टमेंट किया था। झुनझुनवाला जी ने आकाश एयरलाइन में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया ताकि भारतीय जनता को सस्ते दामों पर फ्लाइट की सैर करा सके। हाल में ही राकेश झुनझुनवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उनकी और पीएम मोदी जी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। कई समय से राकेश झुनझुनवाला जी की तबीयत में उतार चढ़ाव हो रहे थे, जिसके कारण वह ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टर ने बताया कि झुनझुनवाला जी की किडनी फेल हो गई थी, साथ साथ उनके शरीर के अन्य अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण 14 अगस्त 2022 को सुबह 6:45 पर झुनझुनवाला जी की मौत हो गई। आद्या साइंटिफिक सोसाइटी उनकी मौत पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।